हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्सपेक्टेड प्रश्न है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप लोग एमपी पैट सीजी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। खासकर एमपी पैट का अभी एग्जाम होने वाला है, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। साथ साथ जो क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, बी एड्रिनल, सी इंसुलिन या डी टेस्टोस्टेरोन। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लास्ट में अंतिम में आप लोग जरूर बताइएगा इन 25 प्रश्नों में से आप लोग से कितने प्रश्न पहले से बन रहे थे या अभी आप लोग कितने अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा थायरॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स जो है किससे संबंधित है बताना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए सब्जियों के अध्ययन से, बी पौधों की प्रजातियों से संबंधित है, सी पर्यावरण संरक्षण या डी जल संरक्षण से। हाइड्रोपोनिक्स जो संबंधित है, ये संबंधित है ऑप्शन बी पौधों की प्रजातियों से संबंधित है। किसे? ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ आप लोग बता दो, आप लोग को ज्यादा टाइम लग रहा है आंसर देने में तो आप लोग वीडियो को रोक के भी आंसर दे सकते हैं, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िएगा। इससे पता चलेगा आप लोग तैयारी कैसी है और आप लोग किस प्रकार का पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में बहुत ही प्रेशर रहता है। उस समय आप लोग क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शन पढ़ने में बहुत ही गलतियां करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। क्या? आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग बता दो, जो लोग चैनल पर अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने वाले, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोग की सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान पादप के ऊतक किस भाग से द्वारा किया होता है? गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग से होता है? मध्य सिरा, रंध्र, फ्लोयम या जाइलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंध्र से होता है। किससे होता है? रंध्र से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है, यह न्यूटन का एक अच्छा उदाहरण है। कौन से नियम का? आई होप न्यूटन का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, यदि गोली चलने पर बंदूक पलट जाती है न्यूटन के कौन सा नियम है? ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का जो है यह तीसरा नियम है। कौन सा? तीसरा नियम है। ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु द्विबंधी से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? एल्कन, एल्किन, अल्काइन या आयोनिक बंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एल्किन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सोना, चांदी, पारा या प्लेटिनम। जो सबसे भारी धातु है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेटिनम। ठीक है, अगला सवाल है, लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेंस और रेटिना के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कचाव या द्रव कोष्ठ बोला जाता है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ आप लोग का मन में डाउट हो, क्लियर हो करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? अग्नाशय, यकृत, आंत या त्वचा। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत में पाया जाता है। किसमें? यकृत में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंडुला, प्रमस्तिक, अनुमस्तिक या हाइपोथैलेमस।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रमस्ती। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आई होप सभी लोगों को पता होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। किसपे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग, फिर से बता दूं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे या किसी ग्रुप से जुड़े होंगे, आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। अगला सवाल है, कौन सा बल जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? द्रव्यमान, संवेग, गुरुत्वाकर्षण या ऑप्शन डी आवेगी बल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 1 सेकेंड या ऑप्शन डी 3 सेकेंड। इसका सही जवाब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी 2 सेकेंड होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 5, डी 4। और आप लोग बता दूं, जितने भी पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, उनको आप लोग एक बार जरूर रिवीजन करिए, कोई ना कोई आप लोग एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम लोग एक पीएच मान जरूर रखते हैं क्वेश्चन वाला, क्योंकि एक ना क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। सौर मंडल, ध्यान दीजिएगा, मूत्र का पीएच मान कितना होगा? ये होगा 6। क्या होगा? 6, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी सिलिकॉन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा का प्रयोग किया जाता है। किसका? तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही जमने का क्या कारण है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरिया, सी स्टेफिलोकोकस और सी लैक्टोबैसिलस, डी ईस्ट। आई होप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका आंसर बहुत ही इजी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए जिंक, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी क्लोरीन। तो ध्यान दीजिएगा, गोइटर जो होता है ये होता है आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, जूल प्रति किलोग्राम इनमें से भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? एसआई यूनिट आप लोगों से बनने चाहिए, जितने भी एसआई यूनिट है आप सभी लोग रट लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन ए एंट्रोपी, बी मुक्त अंतरिक्ष का खालीपन, सी अंतर्निहित ऊष्मा या डी गैस स्थिरांक। तो चलिए, इस ए आंसर आप लोग के लिए होमवर्क के लिए, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है, देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। ये आप लोग मान लीजिए, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान के आप लोग आंसर दे सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा। आप लोग जब कमेंट बॉक्स कीजिएगा तो आप लोग लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा इस वीडियो के लिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1B, 1A, 1B, 1C, 1D ऐसे आप लोग आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, जूल प्रति किलोग्राम इनमें से भौतिक राशि का एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला सवाल है, नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है सिट्रिक एसिड के कारण। किसके कारण? सिट्रिक एसिड के कारण नींबू का खट्टापन होता है। अगला सवाल है, उस गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन या ब्यूटेन। आई होप सभी लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो चीनी के किण्वन में प्रयोग की जाती है, अमोनिया, ब्यूटेन, प्रोपेन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी बहुत इजी आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टेंसले ने।
ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चांदी के आभूषण को लंबे समय के बाद काला पड़ जाना कौन से प्रक्रिया है, अपचयन, भौतिक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और रासायनिक, या डी रासायनिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण एवं रासायनिक। ठीक, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, चांदी के आभूषण को लंबे समय तक रखने के कारण ये काला पड़ जाए, किसके कारण, ऑक्सीकरण और रासायनिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा सफलतम जीवों का वर्ग कौन सा है, कौन सा है, ये है आर्थ्रोपोडेज, कौन सा है, आर्थ्रोपोडेज, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। तो ये आप लोग 25 क्वेश्चन, आप लोग कितने वीडियो अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आप लोग से बने, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग 20 क्वेश्चन से कम करते हैं तो आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी है, आप लोग समझ लीजिए आप लोग अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।